वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी पीटीटी बीएसटीसी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 का पार्ट 6 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख शासक। दोस्तों राजस्थान के प्रमुख शासकों से संबंधित एक दो प्रश्न आपकी बीएसटीसी पीटीटी के एग्जाम में, दोनों ही एग्जाम में बनेंगे। दोस्तों तो चलिए आज के इस वीडियो में आज शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख शासकों के बारे में। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पेशेंस बनाकर वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, ठीक है। कई लोग क्या होते हैं, कई अभ्यर्थी आते हैं, बस वीडियो को देखते हैं, ओह राजस्थानी प्रमुख शासक, ओह हमने तो पढ़ रखा है, और चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, हमें राजस्थान के, राजस्थान जो जी के है वो दोस्तों अथा भंडार है, बहुत सारा इसमें मटेरियल होता है, ठीक है। और उस मटेरियल में से आपके 50 प्रश्न बनेंगे दोस्तों, ठीक है। कितने बनेंगे? 50 में से भी 40 प्रश्न बनेंगे राजस्थान जीके के, और 10-15 तो ऐसे बनेंगे, कुछ साइंस से आ जाएंगे और कुछ इंडिया जीके से आ जाएंगे। तो दोस्तों हमें इन 40 प्रश्नों को सही करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी दोस्तों, ठीक है। और वो मेहनत मैं आपको लगातार करवा रहा हूं, हमारी टीम आपके साथ है, हमेशा साथ रहेगी जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाएगी और आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहां पे आपको ऐसा ही कंटेंट देखने को मिलता रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख शासकों से संबंधित। तो उसमें से राजस्थान के प्रमुख शासकों में दोस्तों सबसे पहला शासक आता है दोस्तों अपने पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करें दोस्तों, तो पृथ्वीराज चौहान जो अपने 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक रहे थे, इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर एवं माता का नाम कर्पूरी देवी था। ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था, तो सोमेश्वर था, और इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था, ठीक है। चलिए अगला, कि पिता की अल्प आयु में मृत्यु होने पर पृथ्वीराज की माता कर्पूर देवी ने संरक्षिका के रूप में शासक का कार्यभार संभाला। यानी कि पिता जो सोमेश्वर था, उनकी अल्प यानी कि कम उम्र में ही इनका देहांत हो गया था। उसके बाद जो पृथ्वीराज चौहान हैं, उनको दोस्तों उनकी माता कर्पूर देवी ने संरक्षिका यानी कि उनकी संरक्षिका के रूप में शासक का कार्यभार संभाला, ठीक है, इनकी माता और इन्होंने, ठीक है। चलिए बात करें विद्या नुरागी। पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट योद्धा थे, शासक थे दोस्तों, इनको 6 भाषाओं का ज्ञान था। आजकल के अभ्यर्थियों को आप देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 भाषाओं से अलावा उनको और कोई सी भाषा नहीं आती, इनको 6 भाषाओं का ज्ञान था, उस समय की 6 भाषाओं का ज्ञान था उनको, ठीक है। चलिए और बात करते हैं दोस्तों, ऐसे ही नहीं चलता था शासक, ठीक है, शासन ऐसे ही नहीं चलता था, शासन चलाने के लिए बहुत कुछ जानना पड़ता था, ठीक है, नहीं तो कोई भी आके छीन सकता था, ठीक है। चलिए बात करें विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई व पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इनके दरबारी कवि की बात करें तो विद्यापति गौड़, वागेश्वरी, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबदाई, इनमें से चंद्रबदाई दोस्तों ये इनके दरबारी कवि भी थे, और दरबारी कवि होने के साथ साथ इनके बहुत ही अच्छे परम मित्र भी थे, ठीक है। और पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, ठीक है, ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। और बात करें तो प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना उनके कवि चंद्रबदाई द्वारा की गई थी, जो दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध जाना माना ग्रंथ है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। इनकी रचना के बारे में पूछ सकता है कि इनकी रचना किसने की थी, तो आपको बताना है चंद्रबदाई ने, ठीक है। चंद्रबदाई कौन था, तो दोस्तों चंद्रबदाई कौन था, ये अपने पृथ्वीराज चौहान का क्या था, दरबारी कवि होने के साथ साथ उनका परम मित्र था, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा दोस्तों हम सिर्फ उन्हीं शासकों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपका भाई बहन या कोई आपकी 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो 7वीं की राजस्थान अध्ययन की किताब आती है, उसको आप जरूर पढ़ना, 7वीं की पढ़ना, 8वीं की पढ़ना, 9वीं की पढ़ना, 10वीं की पढ़ना और 12वीं की पढ़ना, ठीक है। आपको यहां से दोस्तों अगर आप इन 6 कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12वीं तक के राजस्थान अध्ययन की किताबों का अध्ययन कर लेते हो, तो आपके वहां से दोस्तों एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। वैसे ही दोस्तों हम कर रहे हैं, आपको 6 से लेकर कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12वीं तक के राजस्थान अध्ययन की जितनी भी किताबें होती हैं उनका अध्ययन करवा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा मोटिव यही है कि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड करवाएं, और आपका मोटिव यही होना चाहिए, आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हमें पीटीटी बीएसटीसी के पेपर को फाड़ना है और हमें सिलेक्शन लेना है। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं
दोस्तों महाराणा कुंभा के बारे में बात करें तो महाराणा कुंभा 1433 से लेकर के 1468 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों, सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक का कुंभा का जो जन्म है वो 1417 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में हुआ था। ठीक है, कुंभा के जन्म के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो यहां से वही पॉइंट ले रहा हूं दोस्तों जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादा मैं कचरा आपको नहीं पढ़ाने वाला दोस्तों, ठीक है, मेरी एक खास बात है, मैं किसी को भी कचरा परोसता नहीं हूं। ठीक है, मैं सिर्फ वही चीज परोसता हूं जो उस विद्यार्थी के लिए काम आए। ठीक है, तो यही बात करें महाराणा कुंभा की, तो महाराणा कुंभा का जो शासनकाल था दोस्तों 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा था। ठीक है, और ये सिसोदिया वंश के थे। ठीक है, और सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक महाराणा कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कहां पे हुआ था, चित्तौड़गढ़ में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है कि महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, 1433 ईस्वी में ये मेवाड़ के राज सिंहासन पर एक शासक के रूप में बैठे थे, अपनी गद्दी धारण की थी। ठीक है, बात करें महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी हो गया, गागरोन हो गया, सिरोही हो गया, वागड़ विजय हो गया, मेवाड़ मारवाड़ मैत्री प्रमुख थी, इनकी विजय थी दोस्तों राजनीतिक उपलब्धियों में। ठीक है, बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़ मारवाड़ मैत्री प्रमुख थी। ठीक है, इन्होंने इस चीजों को जीता है। ठीक है, और ये इसके क्षेत्र में आता था। ठीक है, अगला महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार यानी कि कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। दोस्तों त्रिवेणी क्या होता है, यानी तीनों चीजों का संगम को त्रिवेणी बोलते हैं। तो इनके एक हाथ में कटार होती थी, दूसरे हाथ में कलम होती थी, और इनके और जो जो इनके मन में थी, मन में बोल लीजिए या फिर तीसरा हाथ भी बोल सकते हैं, और तीसरे हाथ में इनकी कला थी, यानी कि ये तीनों चीजों में निपुण थे दोस्तों, ये तीनों चीजों में निपुण थे। कला के क्षेत्र में देख लीजिए, और लिखाई पढ़ाई के क्षेत्र में देख लीजिए, और अपने युद्ध के क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में किसी को भी इनसे आगे नहीं जाने देते थे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, समझ रहे हो, यानी कि कला के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं। ठीक है, और कलम के क्षेत्र में इन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं, कई सारे साहित्य लिखे हैं अपने हाथों से। ठीक है, और शासक होने के उपरांत भी दोस्तों, ठीक है, ये आज का जो इंसान है वो इनकी बराबरी शायद ही कर सकता है। ठीक है, ये बहुत जाने माने शासक थे। ठीक है, चलिए अगले कुछ इंपोर्टेंट बातें जाने इनके बारे में। तो सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था, यानी कि सांस्कृतिक दृष्टि से बात करें तो महाराणा कुंभा का जो शासन काल था ना वो मेवाड़ का स्वर्ण युग कहलाता, सोने का काल कहलाता था। ठीक है, गोल्डन टाइम कहलाता था, समझ गए। अगला कि मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित हैं। आप सोच सकते हो, इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि महाराणा कुंभा कितने शक्तिशाली शासक थे। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय कुंभा जरूर लिखना। ठीक है, जय कुंभा जरूर लिखना। तो मेवाड़ में जो 84 दुर्ग है ना, उनमें से 32 दुर्ग का निर्माण अपने महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, बात करें कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, भोमट दुर्ग, मंचानगा दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। महाराणा कुंभा महान संगीतकार यानी कि संगीतकार भी थे, सिंगर भी थे, होने के कारण उन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध आदि ग्रंथों की रचना की। संगीत के कई सारे ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। ठीक है, चलिए बात करें और भी इनसे संबंधित। तो कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की, वह चंडी शतक की टीका भी लिखी। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की, वह चंडी शतक की टीका भी लिखी थी इन्होंने। चंडी शतक टीका के रचयिता पूछ ले तो आपको बताना महाराणा कुंभा, गीत गोविंद के टीका के बारे में पूछ रहे तो आपको बताना है महाराणा कुंभा। ठीक है, इतनी बातें आपको महाराणा कुंभा के बारे में पता होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं मालदेव के बारे में। अब बात करेंगे दोस्तों किनके बारे में, मालदेव के बारे में। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों मालदेव के बारे में। मालदेव का जो शासन काल था वो 1532 से 1562 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, और ये राव गंगा या गांगा के पुत्र थे। आपको पता होना चाहिए जो राव मालदेव थे वो राव गंगा या गंगा के पुत्र थे। मालदेव का जो शासन काल है वो मारवाड़ का सूर्य युग कहा जाता है। मारवाड़ के सूर्य युग, जो मालदेव का जो शासन काल था ना वो मारवाड़ का सूर्य युग कहा जाता है। मेवाड़ में तो कुंभा, ठीक है, और मारवाड़ में मालदेव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि मेवाड़ में महाराणा प्रताप
और मारवाड़ में मालदेव, दोनों के बराबर कोई नहीं था उस समय, ठीक है। और इन्होंने सर्वप्रथम भद्राजून को जीता था। आपसे पूछ सकता है कि मालदेव ने सर्वप्रथम किसके प्रति जीत हासिल की थी, तो आपको बताना है भद्राजून के प्रति। इन्होंने मालदेव ने सोजत, पाली, मालकोट और पोकरण दुर्ग जैसलमेर के निर्माण भी करवाया था। पोकरण कहां पे है? जैसलमेर में। इन दुर्गों का निर्माण भी करवाया था। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक भी कहा है। दोस्तों यहां से प्रश्न बन सकता है कि हसमत वाला शासक किस शासक को कहा है? फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किस शासक को कहा है? तो आपको बताना है राव मालदेव को कहा है, ठीक है, राव मालदेव को कहा है। चलिए अब बात करते हैं महाराजा राय सिंह के बारे में। दोस्तों राजस्थान का इतिहास पढ़े और महाराजा राय सिंह के बारे में ना पढ़े कभी ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। महाराजा राय सिंह के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें ना, तो महाराजा जो राय सिंह है उनका जो शासन काल है वो 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा था। इनके बारे में बात करें तो इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। इनसे बड़ा दानी कोई नहीं था उस समय, समझ रहे हो, इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। इनसे बड़ा दानी कोई नहीं था उस समय। इन्होंने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और इसके भीतर एक राय सिंह प्रशस्ति भी लिखवाई थी, समझ रहे हो। इन्होंने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और इसके जो जूनागढ़ दुर्ग के जो भीतर है ना, उन्होंने एक राय सिंह प्रशस्ति भी लिखवाई थी, ठीक है। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथ लिखे। इन्होंने इनके द्वारा ही राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला नाम से कई ग्रंथ भी लिखे थे, ठीक है। तो ये बात है आपको महाराजा राय सिंह के बारे में ध्यान रखनी होगी। अब बात करते हैं मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में। कछवा राजा, कछवा वंश के शासक मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। इनका शासनकाल 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक रहा था। इन्होंने साजा ने 1639 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। आपसे पूछ सकता है कि मिर्जा राजा जय सिंह को, या ऐसे पूछ सकता है कि राजा जय सिंह को मिर्जा राजा जय सिंह की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो आपको बताना है साजा ने प्रदान की थी, ठीक है। अगला कि मिर्जा राजा जय सिंह के राजकवि बिहारी, मिर्जा राजा जय सिंह के कवि कौन थे? बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई लिखी थी। बिहारी सतसई किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बिहारी के द्वारा लिखी गई थी। बिहारी पूछ रहे कौन था? तो मिर्जा राजा जय सिंह का राजकवि था, या दरबारी कवि बोल सकते हैं। राम कवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की थी। जयसिंह चरित्र जो अपने मिर्जा राजा जयसिंह के ऊपर लिखी गई चरित्र पर आधारित है, ग्रंथ है, ठीक है, उसकी रचना राम कवि ने की थी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं महाराजा जसवंत सिंह के बारे में। महाराजा जसवंत सिंह के बारे में बात करें दोस्तों, इनका शासनकाल 1638 से 1673 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 ईस्वी में बुहारनपुर में हुआ था, ठीक है। और इनके पिता गद सिंह की मृत्यु के बाद जसवंत सिंह का राज्याभिषेक भी किया गया था। और मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। मुगल बादशाह शाहजहां ने दोस्तों अपने महाराजा मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी और जसवंत सिंह को भी अपने महाराजा की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। तो अपने आगे वाला जो शासक है दोस्तों, उस शासक का नाम है, उस शासक के नाम से पूर्व हम कुछ बातें इनसे संबंधित भी देख लेते हैं और, ठीक है, थोड़ी बहुत बातें इनसे संबंधित और रह गई उनको देखते हैं। तो इनके बारे में बात करें तो आमेर शासक जयसिंह के कहने पर उन्होंने दोराय के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था। यानी कि आमेर के शासक जो जयसिंह थे उनके कहने पर दोराय के युद्ध में अपने महाराजा जसवंत सिंह ने क्या दिया था? औरंगजेब का साथ दिया था। वहीं जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार भी थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्र द्वय आदि ग्रंथों की रचना भी की थी, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए किनके बारे में? ये जसवंत सिंह के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं महाराजा राय सिंह, राज सिंह प्रथम के बारे में। राज सिंह प्रथम के बारे में देखते हैं कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। राज सिंह प्रथम का बारे में बात करें तो 1652 से लेकर 1680 तक इनका शासन काल रहा था, ठीक है। 1662 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने थे, ठीक है। महाराजा जगत सिंह के पुत्र कौन थे? राज सिंह मेवाड़ के शासक बने थे। और सिहाड़ जो अपने नाथद्वारा राजसमंद में है उसमें श्री नाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली जो राजसमंद में स्थापित कराई गई है वह मंदिर बनवाया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? राज सिंह के द्वारा बनवाया गया था। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर तथा कांकरोली में राजसमंद झील का निर्माण भी अपने महाराजा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था।
ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। चलिए अब कुछ बातें और जान लेते हैं इनसे संबंधित। तो इस झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया, जिसे राज प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। आपसे पूछ सकता है कि देश का सबसे बड़ा शिलालेख किस राजा का है या किस शासक का है, तो आपको बता रहे हैं महाराजा राज सिंह प्रथम का है, ठीक है। और ये अपने कहां पे है, ये दोस्तों अपने कहां पे है, ये अपने किस झील पर है, ये अपने है दोस्तों राजसमंद झील पर। चलिए अब बात कर लेते हैं हम सवाई जयसिंह के बारे में। सवाई जयसिंह के बारे में बात करें दोस्तों, तो इनका शासनकाल 1699 से लेकर 1773 ईस्वी तक रहा था। जयसिंह का जन्म पूछे तो आपको बताना है 1688 ईस्वी में हुआ था और 1699 में राजगद्दी पर बैठ गए। देख सकते हैं आप कितनी जल्दी, ठीक है। जयसिंह का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 1699 तक पहुंचते पहुंचते इन्होंने राजगद्दी हासिल कर ली, ठीक है। और औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सवाई की उपाधि अपने औरंगजेब ने, औरंगजेब के द्वारा जयसिंह को प्रदान की गई थी। सवाई राज सिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया था। इसी के समय ही पहले आमेर थी राजधानी, लेकिन सवाई जयसिंह को आते ही जयपुर को राजधानी बनाया था, ठीक है। और तब से लेकर आज तक राजस्थान की राजधानी जयपुर ही चली आ रही है, ठीक है। चलिए और बात करें दोस्तों इनसे संबंधित, अगर हम और भी बात करें, चर्चा करें और भी इनसे संबंधित, तो सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया था, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह जीज ए मोहम्मद शाही के नाम पर रखा गया था। आपसे पूछ सकता है कि जीज ए मोहम्मद शाही का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, और कहां पे, जयपुर में ही करवाया गया था। बात करें सवाई जयसिंह के काल में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ भी लिखा गया था, ठीक है। सवाई जयसिंह के काल में ज्योतिष विद्या पर आधारित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ भी लिखा गया था, ठीक है। चलिए अब लास्ट शासक की बात कर लेते हैं, यहां से आपका प्रश्न बन सकता है। बात करते हैं महाराजा सूरजमल जाट के बारे में। तो इनका जो शासनकाल है वो 1755 से लेकर के 1763 ईस्वी तक रहा था। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे और भरतपुर के सबसे जाने माने प्रसिद्ध शासक थे और राजस्थान के भी प्रसिद्ध शासक थे, महाराजा सूरजमल जाट, ठीक है। इनके पिता का नाम बदन सिंह था और कवि वीर सुदन अखे राम गर्ग जैसे विद्वान उनके दरबारी कवि थे, ठीक है। इनको जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है, ठीक है, अफलातून भी कहा जाता है, जाटों का अफलातून भी कहा जाता है, ठीक है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों हमने कुछ शासकों के बारे में बात की, जैसे महाराणा सूरज मल, सवाई जयसिंह, महाराणा राज सिंह प्रथम, और भी बात करें तो महाराजा जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा राय सिंह, मालदेव, महाराणा कुंभा और पृथ्वीराज चौहान जैसे इंपोर्टेंट शासकों की हमने बात कर ली। चलिए अब बात करते हैं कि अपने कितने प्रश्न इनसे बन सकते हैं। तो मैंने आपके लिए इनसे संबंधित 12 प्रश्न तैयार किए हैं। चलिए देखते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, आपने कितना ध्यान लगाकर इस टॉपिक को पढ़ा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इनसे कितने प्रश्न बनते हैं, कितने अभ्यास प्रश्न हम कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने दोस्तों कि किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की, अभी हमने बात की थी शाहजहां ने दोस्तों, शाहजहां ने की थी, ठीक है। दूसरा है कि मिर्जा राजा जयसिंह के काल में 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई लिखी, उनके लेखक कौन थे, बिहारी सतसई के लेखक कौन थे दोस्तों, राजकवि बिहारी थे दोस्तों, ठीक है, बिहारी के बिहारी थे। अगला है राजपूताने का कर्ण, आ गया दोस्तों आ गया, इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहां से पूछ सकता है कि राजपूताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है, तो राजपूताने का कर्ण दोस्तों अपने किसे कहा जाता है, बता दीजिए बता दीजिए, आप बताओगे तो अपने महाराजा राज सिंह को कहा जाता है। अगला चौथा प्रश्न बन सकता है कि शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है, तो शौर्य युग तो दोस्तों अपने मालदेव का शासनकाल कहा जाता है मारवाड़ का, ठीक है। चलिए अगला कि संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध आदि किसकी कृतियां हैं, दोस्तों ये सभी की सभी अपने महाराणा कुंभा की कृतियां हैं। अगला छठा प्रश्न है कि प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना किस कवि के द्वारा की गई थी, पृथ्वीराज रासो की रचना अपने चंद्र बदाई, जिनके राजकवि होने के साथ साथ इनके बहुत अच्छे मित्र थे दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हम सातवें प्रश्न की, सातवां इंपोर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किस शासक को कहा है, हसमत वाला शासक दोस्तों अपने किसको कहा है, बता दीजिए, हसमत वाला शासक, हसमत वाला शासक अपने मालदेव को ही कहा है। अगला आठवां प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था, पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूर देवी था, कर्पूर देवी था। बात करें महाराणा कुंभा
किस वर्ष मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे? तो महाराणा कुंभा दोस्तों किस वर्ष बैठे थे मेवाड़ के राज सिंहासन पर? अभी अभी हमने बात की थी 1433 ईस्वी में बैठे थे, ठीक है। और अगला 10वां प्रश्न है कि गीत गोविंद किसकी कृति है? दोस्तों गीत गोविंद के बारे में आपसे पूछ लेना, आपको बताना है जयदेव की कृति है। अगला 11वां प्रश्न है कि किस शासक द्वारा अचलगढ़ दुर्ग, बसंतीगढ़ दुर्ग, भोमर दुर्ग तथा मंचान दुर्ग का आदि दुर्गों का निर्माण करवाया गया था? तो ये करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा, ठीक है। तो आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना दोस्तों। और लास्ट प्रश्न आपके सामने है कि रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में राज प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया है, ठीक है। तो किस भाषा में खुदवाया गया है? संस्कृत भाषा में खुदवाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज का यह हमारा टॉपिक राजस्थान के प्रमुख शासक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका बीएसटीसी पीटीटी का 2023 का संपूर्ण कोर्स इस चैनल के माध्यम से करवाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, थैंक यू, धन्यवाद।